कौन जानी क्या हो, अभी तक आए नहीं। वालेकुम अस्सलाम जानी। यार मैं बस अभी निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ। मैं तैयार हो गया हूँ और थोड़ा सा लेट हूँ, तो बाकी की बातें मैं आपसे करूँगा रास्ते में। क्योंकि मेरा दोस्त रहता है फोइजो, और फोइजो शेंजन से ऑलमोस्ट 2 आवर्स अवे है, तो मैं मेट्रो के थ्रू आया था फोइजो। और अभी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टैक्सी ऑर्डर कर दी थी, तो मैं अभी यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ और फिर टैक्सी, उम्मीद है कि वहाँ पहुँच गई होगी, तो मैं टैक्सी लेकर जाऊँगा अदील के पास। अच्छा, तो मैं अभी मैप को चेक किया है और टैक्सी वाले को ऑलमोस्ट 1 मिनट है। जी, ये टैक्सी वाला आ चुका है, तो आई विल टेक दिस टैक्सी टू माय फ्रेंड्स अपार्टमेंट। चाइना में दो किस्म की लिविंग प्लेसेस होती है, एक तो कम्युनिटी टाइप होती है जिसके अंडर, या आप कह लें डाउन स्टेयर्स पर ना, यहाँ पे गार्डन होता है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है, उसमें फिर जो है ना ये गार्डन वगैरह नहीं होता। तो अगर कोई भी फैमिली के साथ रहना चाहे तो उसके लिए ये कम्युनिटीज बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से लेते हैं लिफ्ट। मैं पहुँच गया हूँ, उम्मीद है कि अदील जूतों से मेरा स्वागत नहीं करेगा क्योंकि मैं लेट हूँ। तो वालेकुम अस्सलाम जानी, जानी कैसे हो, कैसे हो? ठीक ठाक। वेलकम वेलकम, बड़ी जल्दी आ गए। बस यार, सारे मसले तुम्हें पता है आज ही होने थे, इसलिए आ गया हूँ। ये तो मैं साथ अपने व्यूअर्स को भी लेकर आया हूँ कि आज आपके घर का रिव्यू करेंगे। तो माशाल्लाह घर तो आपको बड़ा प्यारा है जी। बस तो ये है जी मेन एंट्रेंस, और उसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा टेबल आप समझ लें, यहाँ पर पार्सल्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं, और नीचे शू रैक्स हैं। और फिर यहाँ से जब हम इंटर होते हैं तो ये आता है डाइनिंग टेबल। तो अदील भाई, आप यहाँ पर अकेले बैठ के खाना खाते हैं? नहीं, ये देखिए ना, हमारे पास 4 कुर्सियाँ हैं, तो जब मेहमान आते हैं तो फिर 4 बंदे। वाह 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 वाह, आज फिर हम दोनों होंगे। तो आज हम देखो ये 2 कुर्सियाँ फिल हो जाएंगी, तो एक और दोस्त था वो हो सकता है थोड़ी देर में आए। अच्छा, मतलब वो रूहानी तौर पे यहीं पे होगा लेकिन वो झंडी घर आ गया। बिल्कुल। ओके ओके, तो क्या हम आपका किचन देख सकते हैं? जी, ये देखें, यहाँ से लाइट आप ऑन करेंगे तो इस किचन में आ रहे हैं आप। किचन की स्पेस तो काफ़ी अच्छी है जी, किचन ये माशाल्लाह का किचन। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक गैस है जी, ये गैस है, इसको ऑन कर सकते हैं। वाह, चाइना में तो मैंने सुना है मोस्टली यहाँ पे इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं, वो यूज़ होती हैं। और ये है हमारा देसी तवा जिसको हम चाइना में मिस करते हैं। वाह, ये समोसे आज हम बनाएंगे जी। ये समोसे आपके लिए रेडी किए हैं, इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में आपको खिलाएंगे समोसे और उसके साथ ये सॉस है। और ये सॉस खुद बनाया आपने? जी बिल्कुल। वाह 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 वाह, ये स्पेशल आपके मजे, लिए मजे मजे। वाह, अच्छा ये किचन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसकी स्पेस अच्छी है और ये इतना छोटा नहीं है, क्योंकि चाइना में नॉर्मली जो घर होते हैं वो काफ़ी कम्पैक्ट होते हैं, तो उस हिसाब से ये किचन की स्पेस काफ़ी अच्छी है। और फिर यहाँ पे डाइनिंग भी अच्छी है, और उसके साथ एक विंडो है, और एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे सीन है। और इसके साथ फिर यहाँ पर इन्होंने रैक्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंट डेकोरेशन का सामान वगैरह है। और फिर वहाँ से हम आ जाते हैं जी लिविंग रूम में। वाओ अदील साहब, ये देखें जी, लॉन्च में हम कभी कभार जब टाइम होता है तो फिर एंजॉय करते हैं, हम भी लगा लेते हैं। वाह, अच्छा तो यहाँ पर पाकिस्तानी चैनल्स भी चलते हैं या इंडियन मूवीज आप देख सकते हैं? मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना वो कनेक्टेड है। वाह,
दोस्तों मुझे तो सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है ना वो तो एक ये रिवॉल्विंग टाइप चेयर है, रिवॉल्विंग तो नहीं है ये रेस्टिंग है। और अदील भाई इसको ये बारे में थोड़ा बताएं। मैं आपको इसका डेमो कराता हूँ, ये देखें, इस पे आप जब ऐसे बैठते हैं ना तो ये बिल्कुल आपको ना ऐसे झूला लेती है, तो ये अभी पीछे स्पेस काम है, आप इसको थोड़ा सा आगे करें, आप यहाँ पर बैठे झूला झूला लें। वाह, तो आप कंप्यूटर पर करें। अच्छा, ये जो फर्नीचर है, एक पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन ये जो फर्नीचर आपने खुद बाय किया या आपको ये अपार्टमेंट के साथ ही मिला है? नहीं, ये हमें अपार्टमेंट के साथ ही मिला है। अच्छा, डिजाइनर ने यहाँ पे जो है पहले से अरेंज किया हुआ था। अच्छा, अपार्टमेंट के साथ। वाह अदील भाई, सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी है, क्योंकि शादीशुदा बंदे के लिए ये सोफ़ा मेरे ख्याल से बेस्ट है, क्योंकि जब भी अगर बेगम नाराज़ हो बंदा इस पर आके सो सकता है, मतलब ये तो कमाल की चीज़ है। अगर मैं आपको बताऊँ कि इसके ऊपर, वाह सर, मुझे भी इसी सोफे का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब मुझे सोफे का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, तो दोस्तों ये देखें, एक तो लिविंग रूम की स्पेस बहुत अच्छी है, काफ़ी वाइड है, और फिर उसके अलावा टीवी वगैरह अगर आप यहाँ पे कोई भी एलसीडी लगानी चाहें तो वॉल काफ़ी बड़ी है, उस पर आप प्लेस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ टेबल भी यहाँ पे है। वाह अदील भाई, आपने तो कुछ ज़्यादा ही इज्जत अफजाई कर दी आज हमारी। और ये वाह 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 वाह, अच्छा तो ये बाद में हम चखेंगे, और अभी आ जाते हैं। अदील भाई, इसमें कितने रूम्स हैं इसमें अपार्टमेंट में? जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक रूम है, ये जो गेस्ट रूम है, तो कभी कभार कोई दोस्त वगैरह आ जाए तो इस रूम में स्टे करता है। अच्छा जी, तो इस पर तो अभी मेरा सामान पड़ा हुआ है, मतलब आज के लिए ये बेड मेरा है। जी, ये आज ये रूम हम आपको सपोर्ट करते हैं आपके हवाले। वाह, तो फिर ये इसके साथ, अगर मैं इस रूम के साइज़ की बात करूं तो ये भी काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका, क्योंकि इसके डबल बेड इस पर है, और फिर यहाँ पे अगर आप बैठना चाहें तो बैठ भी सकते हैं, और फिर इसके दूसरी साइड पे विंडो है, यहाँ पर इन्होंने कर्टन लगाया हुआ है ताकि बाहर से गर्मी ना आए, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर सेंटर में अच्छी खासी गर्मी है, सॉरी खोजों में, और अच्छा क्योंकि जब इस साइड से डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो तकरीबन 8 बजे सुबह के 6 बजे के बाद सनलाइट नजर आती है। अच्छा, बंदा डिस्टर्ब होता है। तो सही सही, कर्टन लगाए। वाह, तो ये एक और रूम है, मतलब ये इसका मास्टर बेडरूम है, इसको तो मैं ओपन करूँगा। जी जी, ये हमारा पर्सनल रूम है जी, आप देख सकते हैं, तो यहाँ इसकी लाइट ऑन करें। ओह, इस रूम की तो बड़ी अच्छी वाइब आ रही है, एक तो कर्टेंस भी बहुत अच्छे आपने कलर डिज़ाइन किया हुआ है। जी, ये सब डिज़ाइनर का कमाल है, तो ये ऑलरेडी पहले से जो है यहाँ पे। और अगर मैं कर्टेंस को साइड पर करूँ तो हम यहाँ से बाहर का भी नज़ारा कर सकते हैं। ये देखें आप सामने, वो कम्युनिटी हैं, आप देख सकते हैं। वाह, मतलब सुबह के टाइम यहाँ पे बिल्कुल सनशाइन होती होगी, डायरेक्ट आपके रूम में सनलाइट आ जाती है। यहाँ से अगर आप नीचे का नज़ारा करें तो आपको बिल्कुल ये फैजो का जो मेन रोड है आपको नज़र आ रहा है सारा, तो ये अगर आप देखें तो बिल्कुल यहाँ से फैजो का जो है एंट्रेंस है, तो यहाँ से आगे फैजो स्टार्ट है, ये मेन रोड है उसका। ऑलराइट, या एक तरफ से आप शंजन में एंटर हो जाते हैं और दूसरी तरफ से आप फैजो में दूसरे, और मुझे यहाँ पर माउंटेंस भी नज़र आ रहे हैं। जी, वो आगे देखें आप माउंटेन हैं, अगर इन माउंटेंस के पीछे आप जाएँ तो जो अक्सर औकात हम बीच की तरफ जाते रहते हैं तो बहुत सारे बीचेस जो हैं वो इस माउंटेन के पीछे हैं। अच्छा, वाह, तो दोस्तों अगर मास्टर बेडरूम की बात करें तो इसमें भी डबल बेड है, और इसके अलावा साइड टेबल्स भी हैं, और यहाँ पे कबर्ड भी दी हुई है कि आप अपने क्लोथ्स वगैरह यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ रैक्स हैं, मतलब काफ़ी अच्छा और बड़ा रूम है ये। चाइना जैसे मुल्क में आपको इतना बड़ा अपार्टमेंट मिलना मेरे ख्याल से तो ये खुशकिस्मत ही है। एक और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। हाँ जी, जो कि मेरे ख्याल में हर रूम में होने चाहिए, वो है वेट मशीन। वाह, जिससे आप डेली चाहें तो आप अपना वेट चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, मतलब आप डेली मॉनिटर करें, उठते सारी चेक करें कि आपको कितना खाना है और कितना नहीं खाना है। देखिए अभी मेरा वेट आ रहा है जितना भी है, तो ये डेली आप जब चेक करेंगे तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका वेट लूज हो रहा है, गेन हो रहा है। ओके, अगर आप रूम में होगा तो आप डेली चेक करेंगे। वाह अदील भाई, मुझे तो अभी तक ये अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे ख्याल से सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है वो मुझे इस रूम की, एक तो स्पेस है, और इसके अलावा इसके जो कर्टन्स की वजह से जो वाइब आ रही है, मतलब कमाल है, कमाल है अदील भाई। जी,
एक चीज मैं आपको और बताऊं कि इस एरिया में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी तरह बिल्कुल मतलब अच्छा। बड़े अपार्टमेंट्स हैं अच्छा। उनका लाउंज अगर आप देखें इसी तरह बिल्कुल बड़ा लाउंज है, रूम बड़े हैं और किचन और ये में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं सारे इसी के हैं। और मेरे ख्याल से अगर 15 से 20 गेस्ट भी आ जाएं तो यहाँ पे अच्छा खासा खाना पीना हो सकता है। आप सोफ़ों को थोड़ा सा साइड पे करके यहाँ पे अच्छा खासा सिस्टम कर सकते हैं। दोस्तों जो मुझे इस अपार्टमेंट की सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो है इसकी गैलरी का व्यू। आप भी देख कर कहेंगे कि वाकई में मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। ये देखें जी, वाह वाह कमाल है। ऐसे लगते जैसे बादल इन बिल्डिंग से मिले हुए हैं और इर्द गिर्द की तमाम बिल्डिंग्स का व्यू भी बहुत प्यारा है। ये वाली बिल्डिंग्स अगर जो आपको नज़र आ रही हैं सामने ब्लैक वाली, ये बिल्कुल अभी नहीं बनी है और ये अभी मतलब आप आगे जो मतलब जो लोग हैं रेजिडेंस के लिए मतलब इनको कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अभी नई कम्युनिटी बनी है। वाह रिसेंट इसके नीचे अगर आप देखें तो वो उन्होंने मार्केट्स वगैरह जो है वो पहले से उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है मार्केट्स के लिए। अच्छा तो मार्केट्स नीचे बनी है। वाह अच्छा, ये गैलरी के साथ साथ अब यहाँ पे सिटिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ इन्होंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल किया हुआ है और ऊपर फिर यहाँ पे कपड़े हैंग कर सकते हैं। अजील भाई यहाँ पे क्या बकरे हैंग करते हैं, इतना बड़ा हैंगर मेरे ख्याल से तो आपको गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड करवाना चाहिए। इतना बड़ा हैंगर आप क्या यहाँ पे अपने आप को हैंग करते हैं जी? ये कभी कभार बार्बेक्यू का मूड बनता है तो हम यहाँ पे बकरा लटकाते हैं। वाह 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 कमाल है। वैसे ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कपड़ों वगैरह के लिए और बाकी जो जहाँ पे बड़ा हैंगर हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम यूज़ कर लेते हैं, कर्टन वगैरह के लिए जब हमने वॉश करने हैं। बस अदील भाई आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमें इजाज़त दी कि हम आपके अपार्टमेंट का रिव्यू कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमने आपको खिदमत का मौका दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। माशाल्लाह अदील भाई कमाल कर दिया आज आपने। अदील भाई आजकल के दौर में सबसे कीमती है वो है टाइम, आपके टाइम और दावत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह सही है सही है, फिर मिलते हैं। अब मैं पहुंच गया हूं मेट्रो स्टेशन और यहां से फिर मैं मेट्रो पकड़ के जाऊंगा घर। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूं मेट्रो से बाहर और ये वो बिल्डिंग है जहां मैं रहता हूं। फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं 5 आवर्स ट्रैवल करने के बाद, क्योंकि जहां मैं गया था वो जगह यहां से ऑलमोस्ट 2.5 घंटे दूर थी तो मुझे जाने में भी 2.5 घंटे लगे और आने में भी 2.5 घंटे लगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज का होम टूर व्लॉग आपको पसंद आया हुआ होगा। आने वाली वीडियोस बहुत ही मज़ेदार होने वाली हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉमिस के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे।